हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेब टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और जो भी मुख्यमंत्री जो भी पोस्ट स्कॉलरशिप जो भर रहे हैं, जिनका यूज़र आईडी पासवर्ड वेरीफाई होकर मोबाइल पे मिल चुका है, तो वो अपना आगे का फॉर्म किस प्रकार भरें, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। सो वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि यूज़र आईडी पासवर्ड आने के बाद जो भी कैटेगरी बीसी ईबीसी का भी जो पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप भरा रहा है, उसका किस तरह से लॉगिन करें और आगे किस प्रकार फॉर्म भरें। तो हम आ गए हैं पोर्टल पे और हम लॉगिन कर रहे हैं। तो लॉगिन करने के लिए हमारे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड जो कि इस प्रकार मिल गया है। तो देखिए, हम यूज़र आईडी और पासवर्ड अपना डाल दिए हैं और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन देगा। आप वहाँ से पासवर्ड अपना मन से चेंज कर लें और जब पासवर्ड चेंज करके फिर से लॉगिन करिएगा तो आपको इस प्रकार का पोर्टल ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि आपके द्वारा अपलोड किए गए बैंक खाते, जाति और निवास प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद ही मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रशिक्षकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2022-23 में आवेदन कर सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि जितना भी आप डॉक्यूमेंट उस टाइम आप रजिस्ट्रेशन करते समय अपलोड किए थे, वो सारा वेरीफाई होना चाहिए, तभी आपका ये यूजर आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे मिलेंगे और तभी आप अपना आगे का स्कॉलरशिप भर पाएंगे। तो चलिए हम बैंक डिटेल और पर्सनल डिटेल आपको देख कर बताते हैं कि मेरा वेरीफाई हुआ है या नहीं। तो जो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया है तो वेरीफाई जरूर ही हुआ होगा। तो देखते हैं कैसे शो करता है मेरा। तो बने रहे चैनल पर और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो देखिए, मेरा यहाँ पे स्टेटस नहीं शो कर रहा है। तो बैंक डिटेल में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरा ऑलरेडी वेरीफाइड यहाँ पे बता रहा है सब। तो आप हम यहाँ से अपना स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अपना स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या डालना है इसमें स्कॉलरशिप में। तो यहाँ पे ऑलरेडी जिस जो पहले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भर चुके हैं वो अपना रिन्यूअल कर लें, और जिनका नया भी है वो अपना फ्रेश भर लें। तो एकेडमिक ईयर में आपको वही ईयर डालना है जो ये 2022-23 जो भरा रहा फॉर्म, उसमें एकेडमिक ईयर में 2022-23 ही सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपका इस प्रकार के नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा लेट हो सकता है। और इंस्टीट्यूट स्टेट जहाँ पे इंस्टीट्यूट है आपका, उसका स्टेट क्या है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है, ये सारा डिटेल आपको डालना है। तो बने रहे वीडियो में। सो देखिए, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं हम अपना। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ब्लॉक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा तो आपको पूरा ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अपना कोर्स जैसे ही सेलेक्ट करिएगा, आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्यूशन फी और कंपलसरी जो कॉलेज कंपलसरी फी है ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है। तो दिखाते हैं हम आपको। तो जो भी मेरा जो भी इंस्टीट्यूट है वो देखिए यहाँ पे। मैंने से अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लिया और अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे कोर्स में आप जो भी कर रहे हैं तो अपना अनुसार चुन लें। तो हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो डिग्री और साइंस से कर रहे हैं तो साइंस। तो यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करिएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन में ऑटोमेटिक कॉलेज फी ऑटोमेटिक ले लेता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ले लेगा ये। और यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स जो भी आप फिलहाल क्या चीज़ में एडमिशन लिया है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन कोर्स उसमें आपको मिल जाएगा, जो भी आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे या एडमिशन किए होंगे, जो पेमेंट किए होंगे कॉलेज को, उसमें आपको सारा ये डिटेल मिल जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पार्ट वन का एडमिट कार्ड पर भी मिल जाएगा। अगर ट्वेल्थ का भर रहे हैं तो उसमें आपको मार्कशीट पर भी मिल जाएगा। आपको अपना रोल नंबर डालना है, यहाँ पर प्रेजेंट ईयर डालना है, यहाँ पर एडमिशन एकेडमिक ईयर डालना है। आपको यहाँ पर क्लास सेक्शन या मोड ऑफ स्टडी रेगुलर करते हैं या किस प्रकार करते हैं। तो आपको यहाँ पर आप फ्री पेड बाई स्टूडेंट मतलब किया मतलब अपने अनुसार पैसे यहाँ पे कितना ट्यूशन फी जैसे कि मैं छात्रावास आदि शुल्क स्वीकार नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपने अंदाज से सारी जो भी खर्चे हो रही हैं उसको जोड़ के यहाँ पे डालें। और यहाँ पे आपको डालने के लिए जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओनली और नॉट फिक्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे डालने के लिए आप जो यहाँ पे जो दिखा रहा है फी आप उससे कॉपी करके भी डाल सकते हैं। और तो यहाँ पे आप हॉस्टल में अगर रहते हैं तो यस कर लें, और नहीं रहते तो नो कर लें। लास्ट ईयर ऑफ क्रेडिट सिस्टम तो यस या नो कर लें। क्वालिफिकेशन लास्ट ईयर ऑफ एग्जाम क्रेडिट सिस्टम तो नो, या अगर क्रेडिट सिस्टम से किए हैं तो यस कर लें। हाउस होल्ड कैटेगरीज तो क्या है, अगर प्रीवियस ईयर में अगर आप ट्वेल्थ का फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें 10 का आप डाल सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन में आप भर रहे हैं फॉर्म तो इसमें इंटर का आप डिटेल डाल सकते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर में आपको इंटर अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इंटर सेलेक्ट करके इंटर का जो भी नेम है बोर्ड है पासिंग ईयर ये आपको डाल देना है। और यहाँ पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे आगे क्लिक करके बढ़ना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का पोर्टल देखने को मिलता है जो कि अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट
आई एम सर्टिफाइड दैट, आपको ये सब आपको टिक करना होगा, पढ़ पढ़ के जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको मानना पड़ेगा। तो हम सभी में क्लिक करके टिक कर लेते हैं, टिक करने के बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। तो आप बने रहें मेरे वीडियो पे और देखें। तो यहाँ पे जो शो कर रहा है यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए, उस पर OTP जनरेट किया जाएगा। तो OTP के माध्यम से पहले वेरीफाई होगा, तो जैसे हम OTP आप सेंड कर लेते हैं अपने मोबाइल नंबर पे, और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो हम पहले अपने OTP वेरीफाई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया और ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गया। तो हम अपना नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या कैसे पेज ओपन होता है। तो देखिए मेरा वेरिफिकेशन होने के बाद जो इस प्रकार अपलोड डॉक्यूमेंट में अपलोड क्या क्या करना है। तो आपका 10th का जो भी मार्कशीट हो गया वो अपलोड करना है, लास्ट पासिंग मार्कशीट, यानी कि आप 12th में अगर लास्ट पासिंग, अगर 12th का भर रहे हैं तो 10th पासिंग लास्ट हो गया, अगर ग्रेजुएशन में भर रहे हैं तो इंटर का लास्ट पासिंग मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है। और यहाँ पर आपको बोनाफाइड जो दिख रहा है उसे कॉलेज से, तो बोनाफाइड हम देख लेते हैं किस प्रकार मिला है। तो बोनाफाइड आपको कॉलेज से बनवाकर यहाँ पे अपलोड करना है, और उसके बाद आपको फी रिसिप्ट जो एडमिशन करवाए होंगे आप उसका फी रिसिप्ट होगा, आप उसे यहाँ पे अपलोड करें, और अपलोड करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप लोग कैसे हैं थोड़ा कमेंट में बता दीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।